हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जिन लोगों ने सहायक आचार्य की परीक्षा दी है उनके लिए ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके जो बच्चे अभी तक ना सीटेट पास कर सके हैं ना जेटेट पास कर सके हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सबसे पहले उसका ऑपरेशन करें, अदरवाइज आप अगर दवाई लेते रहोगे और वो एक दिन इतना बड़ा नासूर बन जाएगा कि ऑपरेशन करने से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक वही समस्या आई है सामने में। मैंने बार बार कहा है कि झारखंड में अगर एक जेटेट की परीक्षा हो जाती है ना तो सारे मुसीबत की जड़ खत्म हो जाती। एग्जामिनेशन से ठीक पहले, टीचर रिक्रूटमेंट से ठीक पहले अगर जेटेट की परीक्षा ली जाती तो अभी जो इस महीने में, यानी कि अब जुलाई आ चुका है, जुलाई के मंथ में जो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत की सबसे बड़ी अदालत में जो है फैसला सुनाया जाएगा कि क्या सीटेट वैलिडिटी जो है इसकी बरकरार रखी जाएगी, यानी कि झारखंड में सीटेट अभ्यर्थी भी टीचर बन पाएंगे अथवा नहीं, इसको लेकर जो है सुनवाई चलेगी। अगर जेटेट की परीक्षा ली जाती ना तो ये सारा फसाद, ये जो सारी समस्या आ रही है वो नहीं आ पाती। तो फिलहाल इसमें भी एक और समस्या आ गई है। आपको पता ही होगा कि जेटेट की परीक्षा सरकार लेना ही नहीं चाहती है। अभी का जो विंडो खाली है, अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगर एक डे में, सिर्फ एक डे इनको चाहिए था कि एक डे में जो है ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा सकते थे एमसीक्यू के फॉर्म में, यानी कि ओएमआर के फॉर्म में इसे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जा सकता था, लेकिन सरकार ने कराया नहीं। अब देखो, अक्टूबर के महीने में झारखंड में जो है विधानसभा का चुनाव होगा, इस कारण से झारखंड टेट की परीक्षा अब जो है होल्ड पे चली जाएगी। देखो, अगर एग्जामिनेशन ठीक टाइम पे नहीं होगा ना तो आचार संहिता लगेगी और सारा मसला ही जो है ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अब देखिए ऐसा क्यों है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाऊंगा, लेकिन अगर झारखंड टेट की परीक्षा नहीं होगी तो देखिए, आपको पता होगा सहायक आचार्य की परीक्षा पास कर लेने के बाद आपको जेटेट पास करना अनिवार्य है। अगर आप हाईकोर्ट के फैसले को देखिए, हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही जो है सीटेट के कैंडिडेट यहाँ पे जो है टीचर बनने के लिए फॉर्म को इन लोगों ने अप्लाई करा था, तो अब जो है हाईकोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग आपको झारखंड टेट की परीक्षा तो हर हाल में पास करनी होगी और वन टाइम में पास करना होगा। अगर आप वन टाइम में इसे पास नहीं कर पाते हो, यू आर डिस्क्वालिफाइड, आप जो है डिस्क्वालिफाई हो जाओगे। एक और बात, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने सहायक आचार्य की परीक्षा का फॉर्म भरा है, पेपर टू में करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो करंट अफेयर्स की वीडियो जो है मैराथन की वीडियो भी बन चुकी है और अलग अलग महीने का भी करंट अफेयर्स बन चुका है। प्लेलिस्ट में वीडियो मैंने डाल रखी है, जाकर देख लीजिए। और बाय द वे, 4 घंटे की जो है मैंने मैराथन भी वीडियो आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है पहले से ही, जाकर देख लीजिए, बड़े काम की है। और कल मैं आपको बिल्कुल पिंकी प्रॉमिस करता हूँ, कल आपको जो है टॉप 100, याद रखिएगा टॉप 100 स्टैटिक्स जीके आपको मिल जाएगा, जिसमें कि अगर हो सका तो टॉप 100 हम लोग दे देंगे, या फिर कंप्यूटर के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको लाकर कल देने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए शिक्षक भर्ती क्यों अटकेगी। देखिए भास्कर की जो ब्रेकिंग खबर है, वेट ए मिनट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए, 10 सितंबर के बाद चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है घोषणा, यानी कि 10 सितंबर के बाद जो है कभी भी घोषणा की जा सकती है। और याद रखिए, किसी भी एग्जामिनेशन फॉर्म को, अगर जेटेट की फॉर्म को भी अगर भरना होगा तो 1 महीने का समय लगता है। अभी सरकार क्या कर रही है, अभी सरकार कर क्या रही है, अगर इसको 1 जुलाई को अगर ऑनलाइन जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो 30 जुलाई तक फॉर्म भर दिया जा सकता है और 1 से 10 अगस्त के बीच कभी भी एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन सरकार तो करेगी नहीं, कर ही नहीं पा रही है। और देखो, आप अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे, अपने लिए अगर आप स्पाइनलेस हो जाओगे, रीढ़ की हड्डी अगर आपकी गायब हो जाएगी, तो आपके लिए कोई और आवाज उठाने वाला है नहीं। याद रखिएगा, मुसीबत में बुरी तरह से फंसोगे आप, तो इन चीजों का ध्यान में रखना है आपको, अदरवाइज दिक्कत में आप ही फंसने वाले हो। इन चीजों का आपको जो है खास ख्याल रखना होगा। तो अब देखिए, जो समस्या आने वाली है, जो समस्या जो है विकराल रूप से सामने आई है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां से देख लीजिए, 2019 में 6 नवंबर को जारी की गई थी चुनाव की अधिसूचना। ठीक है, अब आपको पता है कि 5 साल पूरे हो जाएंगे 2024 में, और पिछले बार नवंबर दिसंबर आखिरी दिसंबर तक एग्जामिनेशन जो ये चुनाव है वो कंडक्ट कराया गया था। तो ऐसे में जल्द ही जो है चुनाव की घोषणा हो सकती है, और मतदान से ठीक पहले पहले 45 दिन के पहले जो है चुनाव का जो है घोषणा करना अनिवार्य होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बातें बता दी गई है, अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में अगर झारखंड का विधानसभा चुनाव होता है, तो जो मैंने यहाँ पे थंबनेल पे आप लोगों को दिखाया था कि अक्टूबर में अगर
ये सारे प्रोसेस को पूरा नहीं करती है सरकार, अगर अगस्त में इसे आयोजित नहीं कराती है तो ये फिर लंबा फंसने वाला है, ये जो है जेटेट की परीक्षा लंबा फंस जाएगा। और इससे भला किसका होगा मुझे बताइए, अगर झारखंड में जेटेट की परीक्षा हो जाती है तो आगे जो टीचर बनना चाहते हैं, देखो मैं आपको ना बिल्कुल छोटे चीज़ का एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज कर लूँ कि कोई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एज अ टीचर एक महिला टीचर के तौर पर काम करना चाहता है, उसके लिए भी झारखंड टेट का पास होना जरूरी है 6 to 8 के लिए, ठीक है, 9, 10, 11, 12 के लिए जो है जेटेट की जरूरत नहीं है, ना ही सीटेट की जरूरत है, लेकिन क्लास 6 to 8 के लिए जो है जेटेट की अनिवार्यता है, यहाँ पे 1 to 5 के लिए भी जो है अनिवार्यता है। अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस में भी टीचर बनना चाहते हो तो जेटेट की अनिवार्यता वहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। CM एक्सलेंस स्कूल में तो बड़े क्लास के बच्चे को एडमिशन जो है लिया जाता है, ऐसे में टीचर वहाँ पर TGT और PGT के लिए जो है अनिवार्य रूप से लाया जाता है। तो ऐसे में ये जो समस्या है बड़ी है, और झारखंड टैट की जो परीक्षा है जल्द से जल्द अगर सरकार कराना चाहती है तो इसके लिए जैक को, जैक रांची जो है अधिकृत है एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए, अगर जैक रांची जल्दी एग्जाम नहीं लेती है तो फिर ये लंबा फंसेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए आप लोग आवाज़ उठाएं, अगर आप किसी और से कनेक्ट में हो तो प्लीज़ उन तक अपनी आवाज़ को जरूर पहुँचाएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा, अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, लोग अवेयर हो सके, शेयर भी करना है आपको आपके फैमिली और फ्रेंड के व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। और पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ गुड डे।